डेली हेल्थ अपडेट्स के लिए अभी मानव हर्बल्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। शरीर चीख चीख कर पुकार रहा है, इसकी भी सुनो भाई। एक व्यक्ति गर्मा गर्म मसालेदार जायकेदार भोजन कर रहा है, उसकी नाक से पानी बह रहा है, आँखों से पानी आ रहा है, पूरे चेहरे से पसीने टपक रहा है, चेहरा लाल लाल हो रहा है, रुमाल से चेहरा और नाक बार बार पोंछ रहा है, मुंह से आ आह ऊह आह सी सी की आवाज़ आ रही है। शरीर चीख चीख कर इस चटपटे खाने का विरोध कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, वह इस अत्याचार को सहन नहीं कर पा रहा है। इतने सारे संकेत दे रहा है, व्यक्ति की खुद की दशा किसी अपराधी को दंडित करने जैसा हो रही है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भोजन उसके शरीर को ग्रहण करने योग्य नहीं है। जरा कल्पना कीजिए कि जब यह भोजन पेट के अंदर आंतों और आमाशयों में जाएगा, जो अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकते, उसके अंदर जाकर शरीर के अंदरूनी अंगों को कितना नुकसान पहुंचाएगा। इसका पता तो बाद में या रात को पेट में जलन, गंदी गैस उत्पन्न होता है और पेट में दर्द या कब्ज होता है, तब चलता है। और सुबह को मोशन साफ नहीं होता, बार बार बाथरूम टॉयलेट जाने के बाद भी संतुष्टि के साथ एक बार में नहीं होता, जिसके कारण भयंकर बवासीर जैसे अनेकों असाध्य बीमारियाँ जन्म लेती है। यही तो शरीर की चीख होती है, यही उसकी भाषा है। इस पर किए गए हर एक जुल्म का वह प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। वह मनुष्य को सावधान करता है, चेतावनी देता है। जैसा कि हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि ऐसे चटपटे व्यंजन खाने के बाद खाने वाला सीधा पानी की तरह भागता है। यह भी शरीर की आवाज़ ही है, संवेदनशीलता होती है। शरीर की प्रकृति यह चाहती है कि पानी पीकर इन मसालों और विषाक्त भोजन की सांद्रता को कम करें, ताकि इनसे होने वाले नुकसान को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए शरीर की भाषा को जागरूकता से समझें, इसके संकेतों और लक्षणों पर गौर करें, प्रकृति के नियमों के अनुसार आचरण करें, बिना भूख लगे खाना नहीं खाएं, काम करने की शक्ति और इच्छा न हो तो विश्राम करें, आराम करें। इससे आपका और आपके शरीर दोनों का भला होगा, दोनों ही बीमारी से बचे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। ऐसी आदतों या जायकेदार से मजबूर और आजकल के बिजी रूटीन और मॉडर्न लाइफ स्टाइल के कारण अक्सर ऐसी सभी लोग कभी ना कभी अधिकतर अपने भोजन के चुनाव से खुद को जानने अनजाने में दंडित करते रहते हैं। आकर्षक पैकिंग और विज्ञापन की तड़क भड़क में मरे हुए मृत कृत्रिम चीज़ों को बार बार बेवजह खाते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं पाचन क्रिया को सुचारू रूप से काम करने में काफ़ी बाधा पहुँचाती है, क्योंकि उनमें नेचुरल ऑर्गेनिक की कमी होती है। अगर ऐसी आदतों की आप भी जाने अनजाने में शिकार हो गए हैं और उसकी वजह से आपकी पाचन हेल्थ और सेहत खराब रहता है, तो घबराएं नहीं, अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे इन आदतों से दूरी बनाएं और अच्छी आदतों को अपनाएं, और इन आदतों की वजह से जितना भी आपका हेल्थ का नुकसान हुआ है और जो भी हेल्थ से रिलेटेड समस्या आ रही है, चाहे वो बहुत ज़्यादा खाने पीने के बाद भी अच्छी सेहत नहीं रहती, पाचन की समस्या रहती है, कमजोरी रहती है, वजन नहीं बढ़ रहा है, अच्छी नींद नहीं आती है, पेट में गैस एसिडिटी बनता है, मोटापे की समस्या बढ़ रही है, कुछ भी अच्छी हेल्थ वाली चीज़ें खाते हैं फिर भी उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता है, उसका उल्टा रिजल्ट मिलता है, पेट में कब्ज गैस की प्रॉब्लम की वजह से पूरा दिन डिस्टर्ब रहते हैं, दुबले पतले कमज़ोर होने के कारण लोग मजाक बनाते हैं, अच्छी करियर नहीं बन पा रहा है, ज़िंदगी से निराश हताश होते जा रहे हैं, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस खो चुका है, तो इन तमाम समस्याओं से छुटकारा दिलाकर एक नई जिंदगी देने वाले आयुर्वेदिक 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना औषधि का सेवन करना शुरू कर दीजिए। वाकई में आपके लाइफ में चमत्कार ला देगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति इंसान की लाइफ में सबसे बड़ी चमत्कार तभी होता है जब वह कोई जटिल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है और बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत खर्च करने के बाद एक अच्छा सा बेहतर और बिल्कुल कम बजट में उसका समाधान मिल जाए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मानव हर्बल सेहत सुधा आयुर्वेदिक पाउडर के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक 100% नेचुरल इन्ग्रेडियंट्स से तैयार किया गया एक फार्मूला है। इसके रेगुलर मात्र 2 से 3 महीने के सेवन से आपकी ये तमाम समस्याएं को बिल्कुल जड़ से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेगा और एक नया जीवन प्रदान करेगा। अगर आप इस तरह की खाने पीने की आदतों को कम नहीं कर सकते और साथ में सेहत सुधा का रेगुलर सेवन करते हैं, तो आपके गलत खान पान और मॉडर्न और व्यस्त जीवन के दुष्प्रभाव को भी आपसे दूर रखता है और आपको हमेशा एनर्जेटिक, ताकतवर, अच्छी पर्सनालिटी बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो, इसके कंपोजिशन की बात करें तो, इसमें गिलोय 250 mg, पापिन 250 mg, मोरिंगा 250 mg, गोखरू 480 mg, कौंच बीज 720 mg मिलीग्राम, शतावरी 800 mg, आंवला 800 mg, सफ़ेद मूसली 800 mg, चिया सीड्स 800 mg,
काला चना 1120 मिलीग्राम, अश्वगंधा 1120 मिलीग्राम, ओट्स 1600 मिलीग्राम 1600 mg, स्पिरुलिना 1600 मिलीग्राम, फ्लैक्स सीड 3200 मिलीग्राम, स्किम्ड मिल्क 3200 मिलीग्राम और वे प्रोटीन 16000 मिलीग्राम है। जब इतने सारे इंग्रेडिएंट्स आपके बॉडी में जाएगा तो जो तत्व आपकी सेहत को बिगाड़ रहा है उसे ढूंढ ढूंढ कर मार भगाएगा और अंदर के सारे अंगों को फिर से एक्टिव और ताकतवर बना देगा, पूरे शरीर में खून और मसल्स को ठोस ठोस कर भर देगा। फिर जो आपकी सेहत बनेगा उसे देख आप खुद भी चौंक जाएंगे और ये सभी चीज़ें आपको परमानेंट के लिए बना देगा, न कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसे नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं, जिनको ये कोई समस्या न भी है वो भी सेवन कर सकते हैं और अपने हेल्थ को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये आपके बॉडी को इम्यूनिटी को 4 गुना बना देगा, 4 गुना स्ट्रॉन्ग कर देगा, क्योंकि इसमें अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शतावरी जैसी जड़ी बूटियाँ मिला हुआ है। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट का तो सवाल नहीं उठता है क्योंकि 100% नेचुरल है। इसे यूज करने का तरीका आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका इसका यूज करने का है 1 गिलास गुनगुना दूध, 2 केले और 1 चम्मच सेहत सुधा पाउडर, तीनों को मिलाकर ग्राइंडर में शेक बना लें और 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद लें। अगर आपके पास दूध अवेलेबल नहीं है या 2 केले डेली नहीं ला सकते तो आप नॉर्मल गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। 1/2 गिलास पानी को हल्का गर्म गुनगुना कर लें, उसमें 1 चम्मच सेहत सुधा पाउडर मिला लें और इसको खाना खाने के आधे घंटे बाद सुबह शाम लें। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कीजिए। कोई और डाउट्स या सवाल है तो पूछ लीजिए, अपना ऑर्डर कर दीजिए और फिर शुरू कर दीजिए एक नए स्वस्थ जीवन का सफ़र। क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी खुश रहेंगे और खुश रहेंगे तभी जीवन के हर परिस्थितियों को पार करते हुए किसी भी क्षेत्र या काम में सफल होंगे, और जब आप सफल होंगे तभी इस धरती का इंसान होने का मकसद पूरा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा, तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन वाले घंटे को दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।